My attitude is that I always want to be better prepared than someone I am competing against. The way I prepare myself is by doing my work each night. Marty Schwarzschild. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 4th of January 2022। माइनस टिक स्टिल वी आर मींस ऑल जस्ट वी हैव एंटर्ड 2023 बट बाय डिफॉल्ट इट इज कमिंग 2022। सो आज है 4th of January 2023। डॉलर इंडेक्स रोज 1% ऑन ट्यूजडे 204.85। आपका 103.60 के आसपास से 104.85 तक चला गया था, अभी है 104.49। मेजर जो एक्टिविटी हुआ है वो जर्मन सीपीआई फेल टू एन एनुअल 8.6% इन दिसंबर फ्रॉम 10% द प्रीवियस मंथ अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस और 9.1%। यूरो आप देखोगे Well, from 1.0683 high to 1.0519 low. उसके बाद जीबीपी डॉलर में भी अच्छा खासा सेल ऑफ आया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि टेक्निकली क्या एक्सपेक्टेशंस है। आपका डॉलर इंडेक्स अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है 103.50 से आपका 105.00। अभी इसको अगर ऊपर जाना है तो पहला जो रेजिस्टेंस है 105 का एंड सेकंड रेजिस्टेंस होगा 105.75। इसके ऊपर जाना पड़ेगा। आरएसआई टर्म्स में अगर देखेंगे डेली आरएसआई इज होवरिंग अराउंड 40 एंड ट्राइंग टू टेक ए रेंज शिफ्ट। इसके कारण हम थोड़ा सा वीकली में देखेंगे, वीकली में आरएसआई इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40 एंड मंथली जो है इंडेक्स जस्ट बिलो 60 एट 57.59। दैट बीइंग द केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि यहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके थोड़ा सा अपवर्ड जाने का प्रयास कर सकता है। डॉलर रुपी में कल जो अपवर्ड मूवमेंट हुआ था लो ऑफ 82.65 एंड हाई ऑफ 82.99, यहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है और इस कंसोलिडेशन को होने दीजिए। जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उतना ही बड़ा ब्रेकआउट। सो हमें इंतजार करना है कब ये ब्रेकआउट करता है। जीबीपी डॉलर में भी कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया है एंड ये 0.64% डाउन गया था, हाई ऑफ 1.2085 एंड लो ऑफ 1.1900, जो हमारा एक्सपेक्टेशंस था कि 1.21 के ब्रेकडाउन के अगर होता है तो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 1.1925, ऑलरेडी मेट हो चुका है एंड दूसरा जो टारगेट है वो है आपका 1.1825। सो हमें देखना है कि क्या ये आने वाले दिनों में वहां तक जाता है या नहीं। जीबीपी आईएनआर पे भी एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया है और आपका जो फर्स्ट जो टाइम ये लोअर हाई को ब्रेक करके नीचे आया है, यानी हायर लो का जो ट्रेंड चल रहा था 26th of September से, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक डेंट आया है। व्हाट इट मींस, अभी हमें थोड़ा सा देखना है कि ये कंसोलिडेशन के बाद दोबारा हायर लो प्रोसेस पे चालू होता है या थोड़े टाइम के लिए लोअर लो फॉर्म करता है। सो एज ऑफ नाउ हम लॉन्ग के लिए थोड़ा सा केयरफुल हो जाएंगे जब तक फर्म इंडिकेशंस हमें नहीं मिलते हैं। यूरो डॉलर पे जैसे कि जर्मन सीपीआई डेटा मींस आने के बाद आपका एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया यूरो डॉलर पे और ये जो रेंज है ये रेंज एक चैनल अराइजिंग चैनल था उसके नीचे ब्रेक डाउन किया है। इसको अगर फर्दर कंटिन्यू करना है तो कल के जो लो है दैट इज 1.0519 उसके नीचे आवरली बेसिस पे क्लोज देना पड़ेगा। देन एंड ओनली देन वी कैन थिंक अबाउट सम फर्दर कंटिन्यूएशन इन द डाउनवर्ड साइड।
यूरो आयनर पे भी अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ था। यहाँ पे एक बॉक्स था, इस बॉक्स का लोअर एंड में क्लोज किया है, तो इसको अगर फर्दर इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस अगर आपका नीचे की तरफ करना है, तो पहले एक टारगेट ले लेते हैं। पहला जो टारगेट है आपका 86.35 के आसपास, क्या है, नथिंग, इतना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके ब्रेक डाउन अगर करेगा तो उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन आने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस यही है कि कल का जो लो है दैट इज 87.28, उसके नीचे आवरली बेसिस पे फॉलो थ्रू देना पड़ेगा। व्हाट डज मीन बाय फॉलो थ्रू, उसके नीचे क्लोज देना पड़ेगा ऑन एन आवरली बेसिस, देन एंड ओनली देन वी मे थिंक अबाउट ए डाउनवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स 86.40 डॉलर। ये नीचे की तरफ थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है एंड एक पिन बार टाइप का बनाया हुआ है एंड देयर इज अ 0.3% अप मूव। लो आपका 129.50, हाई 131.39, अभी है 130.90। जैसे कि कल का एनालिसिस था वहां पे आप देखो कि ये एक सपोर्ट जोन है 130.30 से 131.20, तो हमें देखना है कि यहाँ पे काफी आसानी से ये ब्रेक डाउन करके नीचे जाता है या यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे देता है। अगर ये ऊपर की तरफ क्लोज दे देता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, देन वी मे एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अपवर्ड बायस। अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। येन आयनर क्या है, येन आयनर में एक परफेक्ट इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है। अभी इन्वर्टेड पिन बार के लो के नीचे हम थोड़ा सा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट बीइंग द केस, अभी हमें लॉन्ग के लिए नहीं सोचना है जब तक ये जो पिन बार का हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है। डॉलर कैंडी में क्या हुआ है, आपका एक अच्छा खासा राइज हमने कल देखे हैं, 1.7% अप मूव From 1.3522 अच्छा खासा एक सेल ऑफ देखा गया, 1% सेल ऑफ। ऑसी डॉलर लॉस 1% ऑन ट्यूजडे टू 0.6733। तो व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे आपका एक नीचे जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 0.6630 एंड ऊपर में एक जो रेजिस्टेंस है आपका 0.6890। रेंज थोड़ा बड़ा है बिकॉज स्टार्ट ऑफ द मंथ है, स्टार्ट ऑफ द ईयर है, सो यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप के लिए बड़े प्लेयर्स कैसे एंट्री मारते हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। डॉलर सीएनएच आपका गैप डाउन ओपन हुआ था कल 6.85 एंड नीचे को सस्टेन कर नहीं पाया, दोबारा ये 6.90 पे जाके क्लोज दिया। अभी कहाँ पे है, 6.9008। व्हाट नेक्स्ट, क्या ये यहाँ पे जो प्रीवियस सपोर्ट था 6.9275 उसके ऊपर क्लोज दे सकता है? अगर देता है तो थोड़ा सा हम कंसोलिडेशन टू माइल्ड अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूएशन नहीं होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो कल का जो मदर कैंडल है जिसका रेंज है 6.85 ऑन द लोअर साइड एंड 6.9290 ऑन द हायर साइड, इसके बीच में ही दो चार दिन हम यहाँ पे प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल ऑयल पे, ब्रेंट ऑयल पे अच्छा खासा एक सेल ऑफ देखा गया है एंड 86.96 से 81.83 सेल ऑफ आया है। तो हम अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट डाला हुआ है एंड कल का जो मदर कैंडल है उसके लो के नीचे अभी चल रहा है। कल का जो लो है आपका 81.83 एंड अभी यहाँ पे 81.88 है, नीचे नीचे जा नहीं पाया, करेक्ट, इसी के नीचे जा नहीं पाया। तो इसको अगर फर्दर कंटिन्यू करना है तो आपका कल के लो के नीचे आवरली बेसिस पे क्लोज देना पड़ेगा।
यूएस 10-year ट्रेजरी में कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया है एंड करेंटली इट इज अ 3.748। जैसे कि आप देखोगे जब ये लेवल पे था, मेरा अगर प्रीवियस डेली और वीकली एनालिसिस आप देखोगे तो जब ये प्राइस यहाँ पे था, मेरा वीकली एनालिसिस वो टिकर टीवी पे आता है, वीकली बेस वीकली एनालिसिस एंड डेली एनालिसिस मेरा बरवाज वे चैनल पे आता है। तो जब इस लेवल पे था हमने एक अलर्ट दिया था कि यहाँ पे बेस आउट करके ऊपर जा सकता है। ऊपर जाने के बाद हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 3.85 से 3.91 के बीच में, तो वही पे आके प्राइस अभी नीचे की तरफ आया है, अच्छा खासा सेल ऑफ आया है। अभी क्या है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो इमीडिएट हमारा सपोर्ट हो सकता है वो 3.59 के आसपास हो सकता है। यहाँ पे ये जो प्राइस सेक्शन है यहाँ पे अच्छा खासा सेल ऑफ का इंडिकेशन दिखा रहा है। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर लाइक माइंडेड ग्रुप। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एंड